बड़ी टेंशन हो गई यार यार। ये देखें भाई साहब, कम पै गए, बड़े 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 कट लग गए भाई। तो भाई ये पानी लगा हुआ है, इसको करना है जी कद्दू। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप, खैरियत हैं? यार गर्मी ने मत मारी हुई है और मैं गांव में हूँ, पसीने पसीनी होया पे हैं अभी। यार ज़मीन जो हमने चावल जहाँ लगाना है उसको सेट करना है जाके ज़मीन को, तो यार मैं दोपहर का आया हूँ। वैसे तो सोलर के ऊपर चल रहा था कूलर मेरा, लेकिन भाई कूलर के बस की बात नहीं है ये गर्मी दूर करना, ख़ास तौर पे सोलर वाला कूलर जो, इसकी तो हवाएं बड़ी कम थी, खजल हो गया हूँ भाई। खैर अभी लड़का पानी लेने गया, पानी भरते हैं पीने के लिए और जाते हैं ज़मीनों पे, रात सारी वहाँ गुजारेंगे। आज वैसे भी पानी है हमारा, तो चलिए चलते हैं। हाँ जी भाई, उसको लेवल किया ज़मीन को, ये इसे करा डाला हुआ है भाई। गर्मी ने बड़ा काम ख़राब कर दिया, हवा सूख गया बिल्कुल। नलका तो लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हाँ मुझे उसका पानी ठीक नहीं लगता। अब यार घर जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, रात को दोबारा सनसेट हो रहा है सामने, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये देखो कमाद ने माशाल्लाह रंग पकड़ लिया है, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी इसकी तो। जी भाई वेलकम बैक, अगला दिन स्टार्ट हो गया। रात जो है पानी इसको लेट लगाया था, इसलिए रात जो है उसको हमने नहीं हल लगाया, और यार एक नुकसान हो गया उसका, जो लिंक की जो संगली है ना, चेन है जो, वो टूट गई है। अब देखता हूँ, लेके जाता हूँ, ऐसे ही आराम आराम से लगाते हैं जाके, क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है 5:30 का, कुछ दुकानें वगैरह तो खुली नहीं होंगी, तो बस ऐसे गुजारा करते हैं। तो भाई ये पानी लगा हुआ है, इसको करना है जी कद्दू, स्टार्ट करते हैं। यार एक नुकसान हो गया, ट्रैक्टर जो है फंस गया और उसकी जो ट्यूब है ना वो भी मुझे लगता है फारिग हो गई। मेरी कज़न को बुलाया ट्रैक्टर निकालने के लिए, निकाल तो रहे हैं यार, अल्लाह करे निकल जाए। बड़ी टेंशन हो गई यार यार। टायर ना बिल्कुल ही जवाब दे गया। हाँ जी मोहिन साहब, तुसी हस रहे सी थोड़ी देर पहले। ये देखें भाई साहब, कम पै गए, बड़ी मुश्किल से ना ट्रैक्टर जो है ज़मीनों से इधर गांव तक लेके आए थे, मेरी तो ना हालत टाइट हो गई है। कज़न को दिया ट्रैक्टर, मैंने कहा यार अड्डे तक ले जाओ, इसका ना करवाते हैं जो भी इसका मसला है। मेरा तो ख्याल है कि ट्यूब जो है फारिग हो गई है। तो अभी मैं घर आया हूँ, थोड़ा सा कपड़े से नहाता हूँ, कपड़े चेंज करके जाता हूँ वहाँ पर, देखते हैं क्या सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कोई ज़्यादा खर्चा ना निकल आए, काम के दिन है। खत्म हो गई बिल्कुल। तो यार ट्यूब लेके आया हूँ, नहीं तो बहुत महंगी थी, अभी डाल रहे हैं जो। यार ये रही कंडीशन ट्रैक्टर की, ये हालत हो गई है। लड़कों को मैंने सुबह ही कहा था इसको ना गीला गीला इसके ऊपर पानी डाल दें, बस वो पंचर था उसी चक्करों में लगे रहे वो। तो अभी इसको धोता हूँ और धो के बाद में यार ट्रैक्टर जो है मैंने सर्विस कर लिया है, अब कुछ इसकी हालत ठीक लग रही है, बहुत गंदा हो गया था। तो यार थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह मिलते हैं।
हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग यार। कल इतनी थकन हो गई थी कि बस जिसम में ना जान ही नहीं रह गई थी। रात को टैबलेट लेके सोया हूँ और सुबह लेट उठा हूँ, बड़ा ना जिसम अजीब सा हो रहा था यार। अभी लेबर आई हुई है चावल लगाने, तो उठता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ क्या सूरत हाल है वहाँ की, और उसको पानी दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि एक दिन लेट हो गया काम। उम्मीद तो थी कल लग जाए, लेकिन कल तो फिर लगा नहीं, और बीच में वो ट्रैक्टर वाला पंगा पड़ गया था, सारा दिन उस पर लग गया। अब सुबह की लेबर आई हुई है, तो जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं यार। ये ना एक कट लग गया इसको कल, पंक्चर भी इसी वजह से मेरा ख्याल हुआ है, ट्यूब भी सारी ख़त्म हो गई। और ये जो नज़र आ रहा है ना, ये वाली चीज़, ये जो लकड़ी हमने फंसाई थी इसके चैन डाल के ना, इसको निकालने के लिए जहाँ फंसा हुआ था, उसने ना काम ख़राब कर दिया। वो तो शुक्र है कि इसने बचा लिया, नहीं तो सीधा मुंह के ऊपर लगनी थी आगे मेरे। यार बड़ा ही वीआईपी मौसम हो गया आज, उम्मीद तो है बारिश होगी, नेट के ऊपर तो है बारिश का चांस, ओला करे हो जाए। कपास के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी फसलों के लिए तो चलो ठीक है। अभी वहाँ पे लगा रहे हैं चावल, देखता हूँ पास जाके क्या हालात यार। ये पनीरी जो है बच गई है, इस जगह पे लगाएंगे, अभी वहाँ लेबर लगा रही है साथ, तो लेडीज़ हैं, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा। तो ये जो रह गई है ना जगह, ये अगले हफ्ते यहाँ भी लगा देनी है, अल्लाह माला के देखा जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं है, यहाँ से माशाल्लाह इसका कद ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वही कमाल है, लेकिन यहाँ पर इसका कद नहीं हुआ है, हालांकि इसको खाद जो है ड्रम में डाल के लगाते हैं, खाद भी सारी बराबर लगती है हर जगह पे। यार ये पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे लगता है यहाँ ना ज़मीन का कोई मसला है, इसको दिखाना पड़ेगा, ज़मीन ना चेक करवाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ क्या बनता है। हाँ यार घर आ गया हूँ। सोलर पैनल यार जो मैंने लिया था ना, उसकी जो तार है वो छोटी है, अभी मेरे पास एक घर पड़ी थी, मैं सोच रहा हूँ उसको ना उसके साथ अटैच कर लूँ। हाथ दर्द करने लगे हैं, बड़ी सख्त है यार। ये जो बड़ी तार है ना, जो खंबे से मतलब घर तक आती है, वो वाली है, मैंने चेंज करवाई थी, ख़राब हो गई थी, दो तीन कट थे इसके दरमियान में, अभी उसको सेट कर रहा हूँ। ये बड़ी है जी भाई। कल यार मैं काफ़ी लेट आया हूँ घर, एक तो तबीयत बड़ी ख़राब थी, दो दिन गर्मी में वहाँ रहा हूँ, और ट्रैक्टर जो ट्यूब उसकी फट गई थी, उसी चक्करों में सारा दिन ट्रैक्टर के पीछे लगा रहा हूँ, तो आके सर्विस की है, उसके बाद थकन बड़ी हो गई थी, तो कल मैं भूल गया वैसे कि मैं व्लॉग एंड करना है मैंने। अभी मैं घर आ गया हूँ शहर, रात ही शाम को मैं आ गया था, रात सुकून से नींद की है, अब बिल्कुल फ्रेश उठा हूँ, तबीयत फिट है एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। यार इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।